हाई एवरी वन एंड वेलकम टू द जावा प्लेसमेंट कोर्स लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे हमने पैटर्न के नौ क्वेश्चन इस बार और एडवांस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पैटर्न के लास्ट वीडियो के अंदर सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे सबके कोड और साथ के साथ कुछ होमवर्क प्रॉब्लम हमने आपको नोट्स में दी थी इस वीडियो में भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी कोड्स हम डिस्कस कर रहे होंगे वो सारे के सारे जावा कोड्स आपको एक डॉक्यूमेंट के अंदर मिल रहे होंगे नीचे मिल रही होंगी कुछ होमवर्क प्रॉब्लम जो आपको खुद से करनी है और एक बार आप देख समझ लेंगे वीडियो में कि एडवांस क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं तो वो होमवर्क प्रॉब्लम आप बहुत आसानी से कर लेंगे तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की अब नौ क्वेश्चन पहले कर लिए थे तो अब टेंथ क्वेश्चन हम करने वाले हैं एडवांस पैटर्न की शुरुआत करने वाले हैं सबसे पहला पैटर्न जो हम प्रिंट कर रहे होंगे वो होगा बटरफ्लाई पैटर्न अभी ये पैटर्न कुछ ऐसा दिखता है और आप देख रहे होंगे इसकी शेप एक तितली जैसी है इसमें शुरुआत में हम देख सकते हैं वन स्टार है उसके बाद कुछ स्पेसेस हैं और दोबारा से एक और स्टार है दूसरी लाइन में दो स्टार्स हैं फिर कुछ स्पेसेस है और फिर से दो स्टार हैं तीसरी लाइन में तीन स्टार्स हैं और फिर से कुछ स्पेसेज हैं और तीन स्टार्स हैं अब लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि पैटर्न्स के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ कुछ रिलेशन निकालने पड़ते हैं और लास्ट क्लास में मोस्टली जो हमने पैटर्न्स डिस्कस किए थे उसमें रिलेशन निकल रहा था जिस भी रो नंबर पर हम हैं या जिस भी लाइन पर हम हैं उसके बीच में और उस लाइन में कितनी चीजें कितनी बार प्रिंट हो रही हैं उसके बीच में तो इन दो चीजों के बीच में हमने रिलेशन निकाला था अब वो सेम रिलेशन हम यहां पर भी निकाल रहे होंगे इस क्वेश्चन में जो एन हमें गिवन है वो है चार मतलब एंड चार के लिए हमने इतना बड़ा सा बटरफ्लाई पैटर्न जो है वो प्रिंट कर लिया अब समझेंगे एन इज इक्वल टू चार के लिए एक्चुअली इतना बड़ा पैटर्न प्रिंट कैसे हुआ इसमें अगर हम पहली रो देखें रो नंबर वन उसमें हम देख पा रहे हैं कि एक स्टार है और उसके बाद कुछ स्पेसेस हैं और दोबारा से एक स्टार है अब ये टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस अगर हम काउंट करें तो ये है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स क्यों क्योंकि नीचे वाले स्टार्स जहां पर प्रिंट हो रहे हैं वहां पर यहां पर कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा तो यहां पर उतने ही स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं तो हमारे पास यहां पर सिक्स स्पेसेस हैं अब अगर दूसरी रो की बात करें तो दूसरी रो में है टू स्टार्स के साथ दूसरी रो में वन टू थ्री फोर फोर स्पेसेस हैं, दोबारा से टू स्टार्स तीसरी रो की अगर बात करें तो वहां पर है तीन स्टार उसके बाद दो स्पेसेस एंड दोबारा से तीन स्टार्स अब अगर अपनी फोर्थ रो की बात करें तो उसमें है फोर स्टार्स हम ये शुरुआत के चार स्टार मानेंगे पहले पार्ट में उसके बाद बीच में जो स्पेसेस हैं वो हैं जीरो एंड सेकेंड पार्ट यानी इस पार्ट में जो टोटल नंबर ऑफ स्टार्स हैं वो दोबारा से हैं चार स्टार्स एंड उसके बाद ये पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है

कंडीशन से ढूंढना है इन कंडीशंस में पहली चीज सबसे पहली चीज जो हम नोटिस कर पा रहे हैं वो ये है कि जितना भी रो नंबर है उतने ही हमें प्रिंट करने हैं स्टार्स कहां पर फर्स्ट पार्ट में एंड ऑल्सो उतने ही स्टार्स हमें प्रिंट करने हैं अपने सेकंड पार्ट में अब ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई तो बाहर जैसे ही हम आउटर लूप चलाते हैं अपने रो नंबर का जो जाता है 1 से लेकर n तक यानी 1 से लेकर 4 तक अंदर वाले इनर लूप में फर्स्ट पार्ट में उतने ही स्टार्ट प्रिंट करवा देंगे फिर प्रिंट करवा देंगे कुछ स्पेसेस और उसके बाद भी उतने ही स्टार प्रिंट करवा देंगे जितना है हमारा रो नंबर अब ये चीज करने के लिए मतलब उतने ही स्टार्स जितना हमारा रो नंबर है ये इतना पार्ट प्रिंट करवाने के लिए हम ऑलरेडी लेक्चर फाइव में डिस्कस कर चुके हैं यानी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कैसे होता है लूप यानी नेस्टेड लूप इसके लिए कैसे लिखते हैं हमारे लिए जो यहाँ पर मेन फोकस वाला काम होगा वो ये डिस्कवर करना होगा कि हम ये स्पेसेस कैसे प्रिंट करवाएं इन स्पेसेस का क्या लॉजिकल रिलेशन बनता है हमारे रो नंबर से वो निकालना सबसे डिफिकल्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का और इसी डिफिकल्ट पार्ट को हम बहुत आराम से सिंप्लीफाई कर देंगे देखते हैं कैसे अब एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम रो नंबर को आई की टर्म्स में रिप्रेजेंट करें तो शुरुआत में है आई इज ईक्ल टू वन उसके बाद है आई इज ईकल टू टू उसके बाद है आई इज ईक्ल टू थ्री उसके बाद है आई इज इकल टू फोर अगर हम इसी रो नंबर को आई की टर्म्स में रिप्रेजेंट करें क्योंकि आई को हम वेरिएबल लेने वाले हैं अपने आउटर लूप में अगर हम स्पेसेस को देखें एक तरीके से तो स्पेसिस को क्या हम टू के मल्टीपल्स में लिख सकते हैं हम देख पा रहे हैं कि छह के बाद पांच स्पेसेस नहीं आई छह के बाद चार स्पेसेस आई चार के बाद दो आई दो के बाद जीरो आई अब इंट्यूशन ऐसा ऐसा बन रहा है कि अगर छह की जगह अगर हमें एक और रो ऊपर प्रिंट करनी होती अगर n इज टू फाइव हमें गिवन होता फोर की जगह तो कितनी स्पेसेस आ रही होती आठ स्पेसेस आ रही होती उसके बाद दस स्पेसेस आ रही होती फिर बारह स्पेसेस आ रही होती तो इस तरीके से टू के मल्टीपल्स में हम खेल रहे हैं ऐसा इंट्यूशन आ रहा है इस क्वेश्चन से तो यहां पर अगर इसको टू के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा टू इंटू थ्री फॉर आर इज इक्वल टू वन या आई इज इक्वल टू वन हमारे पास जो स्पेसेज हैं वो हैं 2 3. 2 है टू इंटू थ्री फॉर आई इज इक्वल टू टू स्पेसेज है टू इंटू टू फॉर आई इज इक्वल टू थ्री स्पेसेज है टू इन टू वन एंड फॉर आई इज इक्वल टू फोर स्पेसेस हैं टू इन जीरो अब इस जीरो वन टू थ्री को हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं अब इस पाल अब ये जो टू है ये तो है कांस्टेंट हमारा मेजर काम है टू थ्री वन और जीरो को आई की टर्म्स में यानी रो नंबर की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना यहां पर क्या हम कह सकते हैं कि थ्री जो है वो है एन माइनस आई क्या है फोर आई क्या है वन और फोर माइनस वन इज थ्री यानी ये वाला थ्री है एन माइनस आई अब इस टू को क्या हम दोबारा से एन माइनस आई लिख सकते हैं यहां पर एन होगा फोर और आई होगा टू तो फोर माइनस टू इज इक्वल टू टू क्या हम इस वन को दोबारा से एन माइनस आई लिख सकते हैं यहां पर एन होगा फोर और हमारा आई होगा थ्री तो फोर माइनस थ्री इज इकल टू वन अब इस जीरो को क्या हम दोबारा से एन माइनस आई लिख सकते हैं यहां पर एन होगा और I भी होगा हमारा 4. तो 4 -4 0. तो कुछ इस तरीके से हमारे जो टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस हैं उनको हम सिंप्लीफाई करके कह पा रहे हैं कि स्पेसेस का जो टोटल नंबर है दैट इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस आई राइट तो ये कुछ कुछ लॉजिक हमने बनाया है स्टार्स का तो लॉजिक सिंपल था कि जो भी रो नंबर है आप उतने स्टार्स प्रिंट करवा दीजिए फर्स्ट पार्ट में भी यानी इस पार्ट में भी और इस पार्ट में भी ये जो हमारा सेकेंड पार्ट है अब उसके बाद बीच में जो स्पेसिस का नंबर होगा उसके लिए हमने लॉजिक निकाला है कि वो होगा टू इन टू एन माइनस आई तो इस तरीके से हमारा कोड जो है वो कुछ ऐसा निकल कर आएगा जहां पर हम क्या करेंगे एक आउटर लूप लेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू वन टू एन तक का ठीक है ये आउटर लूप हमें बता रहे हैं कि कितनी हमारी टोटल नंबर ऑफ रोज होने वाली है बटरफ्लाई पैटर्न तो सबसे पहले हमें फर्स्ट पार्ट के स्टार्स प्रिंट करवाने फर्स्ट पार्ट के स्टार्स यानी ये वाले स्टार्स हमें प्रिंट करवाने हैं अब इन स्टार्स को प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे फॉर इंट जे इज इक्वल टू वन टू आई जो भी आई यानी हमारा रो नंबर है

मतलब लूप के अंदर जितने भी वेरिएबल डिफाइन होते हैं उनका स्कोप सिर्फ लूप तक रहता है लूप खत्म होने के बाद वो वेरिएबल्स हमारी मेमोरी में नहीं होते वो मेमोरी से साफ हो चुके हैं अब कोड को पता ही नहीं कि जे था भी क्या तो जे को हम दोबारा डिक्लेयर करके री कर सकते हैं तो ये हमने प्रिंट करवा दिया अपने स्पेस उसके बाद हमें सेकेंड पार्ट के स्टार्स प्रिंट करवाने हैं अब सेकेंड पार्ट के स्टार्स भी उतने ही प्रिंट होंगे जितना हमारा रो नंबर है तो फॉर इंट जे इज इक्वल टू तो कुछ इस तरीके से हम कितना पार्ट प्रिंट करवा लेंगे हम इतना पार्ट प्रिंट करवा चुके होंगे अब इतना पार्ट के लिए तो हमने कोड समझ लिया कैसे लिखना है अब इसका जो लोअर हाफ है उसके लिए कोड को किस तरीके से हम मॉडिफाई करेंगे उसकी बात करते हैं तो हम इस कोड को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं अब बात करेंगे अपने सेकेंड हाफ की यानी इस पार्ट की इस पार्ट में हम देख पा रहे हैं कि ऊपर का कंप्लीटली ऑपोजिट है ऑपोजिट मतलब यहां पर स्पेसेस जीरो हैं, यहां पर स्पेसेस दो हैं, यहां पर स्पेसेस हैं तीन और यहां पर स्पेसेस हैं चार राइट एंड स्टार्स का नंबर भी देखें तो यहां पर स्टार का नंबर पहले चार है फिर तीन है फिर दो है फिर एक है तो क्यों ना हम ऐसा करें कि ये जो स्टार्स और स्पेसेस का काउंट है ये इवेंचुअली डिपेंड तो रो नंबर पर ही कर रहा है मतलब जितने भी स्टार्स हमें प्रिंट करवाने और जितनी भी स्पेसेस हमें प्रिंट करवानी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था वो डिपेंड कर रहा था हमारे इस आय पर बार बार हम इस आय को यूज कर रहे थे स्पेसेस और स्टार्स को प्रिंट करवाने के लिए और ये आय फर्स्ट हाफ में वन से लेकर एन तक जा रहा था तो क्यों ना सेकेंड हाफ में इसको फ्लिप कर दें सेकेंड हाफ के लिए इस आय को हम लेकर जाए एन से वन तक

फर्स्ट पार्ट में चार स्टार्स हैं और सेकंड पार्ट में भी चार स्टार्स हैं तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया ये सेकंड पार्ट हो गया तो हमारे i इज इक्वल टू फोर के लिए तो कंडीशन चल गई एक बार i इज इक्वल टू थ्री के लिए भी देख लेते हैं यानी इस रो के लिए इस रो के लिए स्पेसेस कितने होने चाहिए स्पेसेस होने चाहिए टू इन टू यानी टू इन था फोर थ्री आंसर आया हमारा टू और यहां पर हैं भी दो स्पेसेस राइट right? दो स्पेसेस है उसके बाद स्टार्स अगर देखें तो स्टार्स होने चाहिए आई की इक्वल यानी थ्री प्लस थ्री फर्स्ट हाफ में ये हाफ में तो यहां पर स्टार्स जो है वो फर्स्ट हाफ में तीन है सेकंड हाफ में तीन है तो इस तरीके से i i i के 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 लिए 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 चल चल गया गया एंड अगर आप अपने आप अपने भी चेक करेंगे तो भी ये कोड चल रहा होगा तो ये हमने कैसे कोड निकाला हमने फर्स्ट हाफ के लिए यानी अपर हाफ के लिए तो अपने आप लॉजिक बना बना के स्टार्स और स्पेसेस कितने उसका लॉजिक निकाला उसके लिए कोड लिखा अब सेकेंड हाफ में हमें पता है कि कंडीशन जो है आई पर डिपेंड कर रही है रो नंबर पर डिपेंड कर रही है और रो नंबर के हिसाब से कंडीशन फ्लिप हो रही है तो क्यों ना हम अपने रो नंबर को ही फ्लिप कर ले पहले लूप चला था वन से लेकर एन तक अब लूप को चला देंगे एन से लेकर वन तक तो इस तरीके से हम ये जो प्यारा सा बटरफ्लाई पैटर्न था जो बिल्कुल प्यारा नहीं लग रहा था शुरुआत में बहुत डिफिकल्ट लगता है पहली बार देखने में और मुझे भी फ्रैंकली बहुत डिफिकल्ट लगा था जब पहली बार इस पैटर्न को देखा था तो इसको कुछ इस तरीके से हम सॉल्व कर रहे होंगे अब इसके लिए एक बार कोड लिखते हैं और कोड लिख कर समझ लेते हैं कि एक्चुअली प्रिंट कैसे हो जाएगा कोड में अगर देखें तो हमारे पास अपनी क्लास और मेन फंक्शन ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं हमारा एन इंट एन इज इक्वल टू फाइव उसके बाद सबसे पहले प्रिंट करवाएंगे अपना फर्स्ट हाफ यानी हमारा अपर हाफ अब यहां पर हम फर्स्ट हाफ ऊपर को कह रहे हैं और सेकंड हाफ नीचे वाले पार्ट को कह रहे हैं और फर्स्ट पार्ट जो है वो लेफ्ट साइड वाले पैटर्न को कह रहे हैं और सेकंड पार्ट राइट साइड वाले पैटर्न को कह रहे हैं तो अपर हाफ की यहां पर बात कर लेते हैं इसको फर्स्ट हाफ नहीं कहते अपर हाफ कहते हैं उसके लिए जो लिखेंगे वो अंदर प्रिंट करवाएंगे फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट में प्रिंट होंगे कितने स्टार्स आई के इक्वल स्टार्स j इज इक्वल टू वन जे इज लेस देन इक्वल टू आई जे प्लस प्लस और यहां पर प्रिंट कर देंगे हम अपने स्टार्स को अब ध्यान रखना है कि यहां पर प्रिंट आएगा प्रिंट एल एन नहीं क्योंकि फिर आ, सारी की सारी चीजें जो है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होनी शुरू हो जाएंगी सारे स्टार्स नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होंगे वो हमें नहीं करना हमने स्टार्स प्रिंट करवा दिए फर्स्ट पार्ट के अब क्या प्रिंट करवाएंगे अब प्रिंट करवाएंगे स्पेसेस तो इंट स्पेसेज नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं जो बताएगा हमें कि टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस कितने हैं टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस थे टू इन टू एन माइनस आई एक और लूप चला देते हैं फॉर इंट जे इज इक्वल टू वन जे इज लेस देन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस एंड जे प्लस प्लस और यहां पर प्रिंट करवा रहे होंगे हमारे लिए स्पेसेस उसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे सेकेंड पार्ट के स्टार्स को सेकेंड पार्ट के स्टार्स भी उतने ही थे इक्वल टू रो नंबर तो फोर इंट जे इज इक्वल टू वन जे इज लेस देन इक्वल टू आई जे प्लस प्लस अंदर प्रिंट करवा देंगे दोबारा से अपने स्टार्स को एंड कुछ इस तरीके से हम अब प्रिंट करवा रहे होंगे अपना नेक्स्ट लाइन तो ये हमने पूरे अपर हाफ के लिए कोड लिख लिया लोअर हाफ के लिए कुछ नहीं करना इस कोड को बस कंप्लीटली रिवर्स कर देना है तो लोअर हाफ के लिए कोड लिखते हैं क्या करेंगे अपर हाफ के कोड को कॉपी कर लेते हैं एंड अगर लोअर हाफ में लिखें तो अपर हाफ में क्या था आई वन से लेकर एन तक जा रहा था लोअर हाफ में आई एन से लेकर वन तक चला जाएगा तो आई इज इक्वल टू एन और जब तक आई ग्रेटर देन इक्वल टू वन नहीं होता और यहां पर प्लस प्लस की जगह कर रहे होंगे हम माइनस माइनस क्योंकि आई को हर बार डिक्रीज बाय वन करना है तो इसको हमने कर दिया सेव और इस पूरे के पूरे कोड को एक बार रन करके देखते हैं कि एक्चुअली प्रिंट क्या होगा तो हमारे लिए बटरफ्लाई पैटर्न जो है वो प्रिंट होकर आ गया जिसमें अगर हम देखें कि अपर हाफ का कोड इतना था और लोअर हाफ का कोड इतना था तो कुछ इस तरीके से कॉम्प्लेक्स पैटर्न में भी सिंपल सिंपल छोटे छोटे लॉजिकल चीजें हम देखकर उनको प्रिंट करवा सकते हैं एंड पैटर्न की खास बात यह है कि आप दस पंद्रह क्वेश्चन कर लेंगे ना एक बार पैटर्न के तो उसके बाद नए जो क्वेश्चन आएंगे उनके लिए दिमाग में अपने आप लॉजिक बनने शुरू हो जाएंगे क्योंकि फिर आदत हो जाएगी उन पैटर्न को देखने की और ये जो पैटर्न के क्वेश्चन है ये ज्यादा डिफर नहीं करते एक दूसरे से ऑलमोस्ट सिमिलर से लॉजिक रहते हैं मोस्टली क्वेश्चन में अब बात करें अगर इलेवेंथ क्वेश्चन की इस वीडियो के सेकेंड क्वेश्चन की तो वो है प्रिंट करवाना इस पैटर्न को इस पैटर्न को नाम हमने दिया सॉलिड रोम्बस जिसमें एन की वैल्यू गिवन है हमें फाइव अब लॉजिकली सोच सकते हैं एन फाइव क्यों गिवन है क्योंकि पांच हमारे पास रोज हैं वन टू थ्री फोर फाइव ऑल्सो हर रो में हमारे पास प्रिंट हो रहे हैं पांच स्टार्स तो ऐसी वाई बार ही है इस क्वेश्चन से कि ये बहुत आसान क्वेश्चन होने वाला है बटरफ्लाई प्रिंट करने के बाद अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हो क्या रहा है हमने पहली वीडियो में बात की थी हर क्वेश्चन को अगर समझ ना आए तो एक मेट्रिक्स की फॉर्म में डिवाइड कर लेना चाहिए तो ये एक मेट्रिक्स बना लेते हैं राइट right? थोड़ा सा इरेग्यूलर मेट्रिक्स बन रहा है तो इस तरीके से एक मेट्रिक्स की फॉर्म में या टू डी प्लेन की फॉर्म में हम देख पा रहे हैं कि पैटर्न को कुछ किस तरीके से प्रिंट किया गया होगा अब ये वाले जितने भी पार्ट हैं इनके बारे में तो हमें चिंता करनी ही नहीं क्यों क्योंकि ये तो एक बार लाइन प्रिंट होगी उसके बाद अब नेक्स्ट लाइन कर लेंगे तो इन चीजों को तो इन तो स्पेसेस हमें लेनी है कि अगर आई इज इक्वल टू वन है तो वहां पर वन टू थ्री फोर यानी फोर स्पेसेस पहले प्रिंट होंगी फिर प्रिंट होंगे पांच स्टार्स अगर आई इज इक्वल टू टू है तो वहां पर वन टू थ्री तीन स्पेसेस पहले प्रिंट होंगी फिर प्रिंट होंगे पांच स्टार्स अगर i इज इक्ल टू थ्री है तो वहां पर दो स्पेसेस पहले प्रिंट होंगी वन टू और फिर प्रिंट होंगे पांच स्टार्स सिमिलरली अगर i इज इक्ल टू फोर है तो वहां पर एक स्पेस पहले प्रिंट होगी फिर प्रिंट होंगे पांच स्टार्स एंड अगर फाइनली हम i इज इक्ल टू फाइव ले लें तो वहां पर जीरो स्पेस प्रिंट होगी एंड प्रिंट होंगे पांच स्टार्स अब इसमें सबसे आसान चीज देखना एनालाइज करना ढूंढना समझना वो ये है कि इस टोटल नंबर ऑफ स्टार्स जितने भी प्रिंट होने हैं हर लाइन में वो तो कांस्टेंट है हर एक सिंगल लाइन में पैटर्न की हम पांच ही स्टार्स प्रिंट कर रहे हैं तो वो हमें समझ में आ गया हमारा मेन काम होगा ये डिराइव करना कि कितनी स्पेसेस को हम प्रिंट करें अब स्पेसेस की अगर बात करें तो हम देख पा रहे हैं स्पेसेस घट रही है जैसे कि रो नंबर हमारा बढ़ रहा है रो नंबर बढ़ते जा रहे स्पेसेस घटते जा रही हैं रो नंबर एक से बढ़ रहा है स्पेसेस स्पेसिस से घट रही हैं रो नंबर एक से बढ़ रहा है स्पेसेस से घट रही हैं तो यहां पर कुछ ऐसा लॉजिक आएगा कि रो नंबर को किसी नंबर से माइनस करते जाएंगे करते जाएंगे वैसे ही हमारे टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस हमारे पास आ रहे होंगे जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में ऑब्जर्व किया था स्पेस इक्वल टू एन माइनस आई अब यहां पर अगर देखें तो आई इज इक्वल टू वन के लिए स्पेसेस हैं चार तो क्या स्पेसेस को हम एन और आई से कुछ रिलेट कर सकते हैं कि एन अगर हमारा पांच था तो एन माइनस आई दोबारा से हमारे पास स्पेसेस आ जाएंगी अगर आई इज टू टू के लिए देखें तो स्पेसेस को अगर हम एन माइनस आई ले एन है हमारा पांच और आई है हमारा दो तो स्पेसेस आ जाएंगी तीन सिमिलरली आईजी टू तीन के लिए स्पेसेस जो होंगी वो होंगी फाइव माइनस थ्री यानी दो स्पेसेस एंड देखें तो हम सेम वैल्यूज निकाल रहे हैं जो ऊपर हमने लिखी हैं, जो हमें प्रिंट करवानी है तो इस तरीके से कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में भी जो स्पेसिस का लॉजिक रिलेशन बनकर आ रहा है वो है स्पेसिस इज इक्वल टू एन माइनस आई अब हमें क्या करना है हमें करना है एक आउटर लूप चला देंगे फॉर रोज हमारे आई इज इक्वल टू वन से लेकर एन तक उसके बाद प्रिंट करवाएंगे हर एक रो में सबसे पहले स्पेसेस स्पेसेस कितने प्रिंट करवाने हैं एन माइनस आई जितने उसके बाद स्टार्स कितने प्रिंट करवाने हैं पांच, विच इज अ फिक्स नंबर तो ये हर एक रो के लिए हमें करना है और ऐसे तरीके से हमारे पास एक सॉलिड रोम्बस जो है वो निकल कर आ रहा होगा अब इसके लिए कोड बहुत सिंपल होने वाला है तो कोड हम लिख कर देखते हैं अपने पुराने कोड को हटा लेते हैं कोड के अंदर हमें पता है एन हमारा फाइव ही है इस क्वेश्चन में भी अब सबसे पहले क्या करेंगे अपना आउटर लूप बनाते हैं आई इज इक्वल टू वन से लेकर एन तक सबसे पहले प्रिंट करवाएंगे स्पेसेस स्पेसेस को प्रिंट करवाने के लिए क्या करना है जे हमारा जाएगा वन से लेकर एन माइनस आई तक एंड कर देंगे एंड इसमें हर एक बार हम प्रिंट करवा रहे होंगे स्पेस उसके बाद प्रिंट करवाएंगे अपने स्टार्स तो स्टार्स को प्रिंट करवाने के लिए हमें कितने स्टार्स प्रिंट करवाने हर बार फाइव तो जे वन से लेकर जाएगा फाइव तक

अब वो क्वेश्चन करने में बहुत आसान होगा क्यों क्योंकि वहां पर हमें बाउंड्री की कंडीशंस को एनालाइज करना होगा अब होलो रोम्बस से सिमिलर क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में किया था जो था होलो रेक्टेंगल उसको हमने क्लास में डिस्कस किया था आप उसको जाकर रेफर कर सकते हैं होमवर्क प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम एंड फिर काफी आसानी होगी उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने में अब बात करें अगर अपने बारहवें पैटर्न की तो उसमें एन इज है नंबर पिरामिड तो एक पिरामिड कुछ ऐसा दिखता है अगर आप इजिप्ट की फोटोज आपने कभी देखी हो या उसको विजिट किया हो तो ये नंबर्स का कोई एक पिरामिड हमें गिवन है इस पिरामिड के अंदर हम देख पा रहे हैं कि अगर हमारी आई इज इक्वल टू वन है तो हमारा प्रिंट हो रहा है वन रो टू है तो प्रिंट हो रहा है टू और कितनी बार टू टाइम्स रो थ्री है तो प्रिंट हो रहा है थ्री थ्री टाइम्स रो फोर है तो प्रिंट हो रहा है फोर फोर टाइम्स रो फाइव है तो प्रिंट हो रहा है फाइव फाइव टाइम्स राइट अब सारी की सारी जो चीजें हैं मतलब क्या प्रिंट करवाना है कितनी बार प्रिंट करवाना है वो सारी की सारी चीजें रिलेटेड है हमारे रो नंबर से और सेम है क्या प्रिंट करवाना है और कितनी बार कितने टाइम्स प्रिंट करवाना है वो सारा का सारा इक्वल है हमारे रो नंबर के उसके बाद एक और चीज़ यहां पर प्रिंट हो रही है जो दिखने रही मतलब हमारी स्पेसेस जो ये स्पेसेस हैं अब एक बार थोड़ा नीटली अगर हम इस पूरे के पूरे पैटर्न को अगर लिखें तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहले आई है उसके बाद है टू एक स्पेस और दोबारा टू फिर है थ्री स्पेस थ्री स्पेस थ्री फिर है फोर स्पेस फोर स्पेस फोर स्पेस फोर एंड सिमिलरली फाइव स्पेस फाइव स्पेस फाइव स्पेस फाइव स्पेस एंड एक और लास्ट फाइव तो कुछ इस तरीके का पैटर्न हमें प्रिंट करवाना है यहाँ पर, पर पांच तो कुछ इस तरीके का डायग्राम हमें तो ऊपर नंबर नीचे स्पेस, नंबर, स्पेस, नंबर, स्पेस। इस तरीके से पैटर्न हमारा चल रहा होगा अब फर्स्ट रो के लिए अगर एनालाइज करें तो वन टू थ्री फोर सबसे पहले है फोर स्पेसेस उसके बाद है हमारा वन तो फर्स्ट रो के लिए फोर स्पेसेस फिर वन वन टाइम्स सेकेंड रो के लिए वन टू थ्री थ्री स्पेसेस फिर टू टू टाइम्स थर्ड रो के लिए टू स्पेसेस एंड फिर थ्री थ्री टाइम्स एंड सिमिलरली हम आगे की वैल्यूज को निकाल रहे होंगे अब यहां पर भी अगर स्पेसेस का लॉजिक हम देखें तो हम ये लॉजिक पिछले दो क्वेश्चंस में देख चुके हैं अभी तक हमें समझ आना चाहिए कि रो जैसे जैसे बढ़ रही है हमारी एक से स्पेसेस हमारी कम हो रही हैं तो शुरुआत की स्पेस अगर हम निकाल रहे हैं तो उसको माइनस माइनस हम करते रहेंगे तो शुरुआत की स्पेस मतलब रो या आई इज इक्वल टू वन के लिए जो टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस हैं हमारी वो है फोर जिसको हम कह सकते हैं फाइव माइनस वन यानी हमारा एन माइनस आई तो दोबारा से टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस निकल कर आएंगी एन माइनस आई तो हमारा काम क्या होगा हम सबसे पहले स्पेसेस प्रिंट करवा दें यानी एन माइनस आई स्पेसेस प्रिंट करवा दें फिर जो भी रो नंबर है उसको रो नंबर टाइम्स ही प्रिंट करवा दें यानी सेकंड रो पर अगर हम हैं तो टू को टू टाइम्स प्रिंट करवा दें तो इसके लिए कोड लिखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा कि किस बारे में बात कर रहे हैं सबसे पहले क्या करना है आई इज इक्वल टू वन से लेकर एन तक हमारा लूप चल रहा होगा तो एन है हमारे यहां पर फाइव उसके बाद सबसे पहले प्रिंट करवानी है हमें स्पेसेस अब स्पेसेस के लिए हमने लॉजिक लिखा था कि j इज इक्ल टू वन से लेकर j कहाँ तक जाएगा n माइनस आई तक और j प्लस प्लस तो यहाँ पर स्पेसेस हम प्रिंट करवा देंगे एक बार स्पेसेस हमने प्रिंट करवा दी तो उसके बाद प्रिंट करवाना है अपने नंबर्स को तो यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे अपने नंबर्स को फॉर इंट j इज इक्वल टू वन जे इज लेस देन इक्वल टू आई जे प्लस प्लस तो ये जो लूप है इसका काम है काउंट करना i टाइम्स यानी जितना नंबर ऑफ रो है उतना टाइम्स ये लूप चलेगा एंड प्रिंट क्या करेगा उतने नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंट कर रहा होगा i को यानी रो नंबर को रो नंबर टाइम्स प्रिंट कर रहा है ये लूप क्या कर रहा है प्रिंट रो नंबर रो नंबर टाइम्स ये प्रिंट कर दिया और उसके बाद प्रिंट करवा देंगे हम नेक्स्ट लाइन अब इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है हमारा जो पैटर्न है वो वैसे का वैसा प्रिंट होकर नहीं आ रहा होगा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा प्रिंट होकर आ रहा होगा एक बार देख लेते हैं कि इसको करने के बाद एक्चुअली प्रिंट क्या होगा प्रिंट होगा हमारे लिए ऐसा सा कुछ पैटर्न अब ये तो हमें चाहिए नहीं था हमें चाहिए एक पिरामिड शेप तो हम अपने क्वेश्चन में ध्यान से अगर देखें तो नंबर को प्रिंट करने के बाद हर बार एक स्पेस प्रिंट हो रही थी फिर दोबारा नंबर तो नंबर स्पेस नंबर स्पेस नंबर नंबर स्पेस नंबर स्पेस तो हर नंबर के बाद स्पेस तो हमने प्रिंट ही नहीं करवाई उसको कैसे प्रिंट करवा देंगे यहां पर प्रिंट करवाया था हमने अपना नंबर उसमें ऐड कर देंगे हम एक स्पेस एंड इस तरीके से अगर आउटपुट अपना देखें अब तो वो आएगा एक पिरामिड शेप में तो कुछ इस तरीके से हम अपना जो पैटर्न है उसको प्रिंट करवा रहे होंगे अब यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक इसको हम कर देंगे इक्वल टू अब इस कोड को एक बार और हम रन करें तो हमारे लिए परफेक्ट पिरामिड प्रिंट होकर आ गया है पहले वाले पिरामिड में इक्वल टू नहीं किया था तो क्या प्रॉब्लम थी फोर के सामने जीरो स्पेसेस आ रही थी इस बार फोर के सामने एक स्पेस है थ्री के सामने दो स्पेसेस हैं टू के सामने तीन और एक के सामने चार स्पेसेस एंड हर नंबर के बीच में भी हमने एक स्पेस प्रिंट करवाई है तो एक परफेक्ट पिरामिड नंबर पिरामिड हमने प्रिंट करवा दिया है अब बात करें अगर अपने थर्टींथ क्वेश्चन की 13th question का नाम है पेलिंड्रोमिक पैटर्न पेलिंड्रोम्स क्या होते हैं कोडिंग के अंदर पेलिंड्रोम होता है वो चीज जो सामने से भी वैसी ही दिखे और पीछे से भी वैसी ही दिखे यानी अगर हम बी ओ बी इस स्ट्रिंग को देखें अगर तो एक पेलिंड्रोम है क्योंकि शुरुआत से पढ़ेंगे तो भी बॉब पढ़ेंगे पीछे से पढ़ेंगे तो भी बॉब पढ़ेंगे अब वन टू वन ये भी एक पेलिंड्रोम है सामने से भी वैसा ही है पीछे से भी वैसा ही है तो इस तरीके के जो पैटर्न होते हैं जो रिपीट करते हैं सामने से भी वैसे दिखते हैं पीछे से भी वैसे ही दिखते हैं उनको हम पेलिंड्रोम्स कहते हैं कोडिंग के अंदर पेलिंड्रोम से रिलेटेड बहुत सारे सवाल हम करेंगे जब हम स्ट्रिंग्स को पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पर हमें एक पेलिंड्रोमिक पैटर्न दिया है जिसमें एन इज इक्वल टू फाइव हम एक है अब यहाँ पर अगर देखें तो आई इज इक्वल टू वन के लिए सबसे पहले हमने कुछ स्पेसेस प्रिंट की हैं वो स्पेसेस हैं वन टू थ्री एंड फोर स्पेसेज चार हैं आई इज इक्ल टू टू के लिए हमारी जो स्पेसेज हैं वो हैं तीन आई इज इक्ल टू तीन के लिए स्पेसेज हैं दो तो अभी तक आदत तो हो गई है हमें स्पेसेस निकालने की तो स्पेसेस जो आ जाएंगी वो आ जाएंगी एन माइनस आई के इक्वल तो सबसे पहले जो भी रो में हम हैं वहां पर एन माइनस आई के इक्वल हम स्पेसेस प्रिंट करवा देंगे ठीक है उसके बाद बात करते हैं नंबर्स की क्या हम कह दें कि इन नंबर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं पहले इतना प्रिंट करेंगे और फिर इतना प्रिंट करेंगे तो सबसे पहले हमारा काम है इस पार्ट को प्रिंट करवाना हम देख पा रहे हैं आई वन है तो हमें प्रिंट करवाना है सिर्फ वन को आई टू है तो प्रिंट करवाना है टू से लेकर वन को तो, आई थ्री है तो प्रिंट करवाना है थ्री से लेकर वन को आई अगर फोर हो जाता है तो प्रिंट करवाना है फोर टू वन आई फाइव के लिए प्रिंट करवाना है फाइव टू वन यहां पर इसको क्या हम कह दें वन टू वन प्रिंट करवाना है तो हम देख पा रहे हैं कि लूप चल रहा होगा जो शुरू हो रहा होगा हमारे आय से और जा रही होगी उसकी वैल्यू तक तो जो भी हमारा है उसमें कैसे प्रिंट प्रिंट करवाएं फर्स्ट हाफ में करवा देंगे आई से लेकर वन तक बैकवर्ड जाते हुए नंबर उसके बाद बात करते हैं सेकेंड हाफ की तो सेकेंड हाफ में जो नंबर शुरू हो रहे हैं वो हमेशा शुरू हो रहे हैं टू के साथ राइट right? तो इसे यहां नहीं लिखते हैं सेकेंड हाफ में जो भी नंबर शुरू हो रहे हैं वो शुरू हो रहे हैं इस नंबर टू के साथ अब फॉर आई इज इकल टू वन तो हमें कुछ प्रिंट नहीं करवाना आई इज इकल टू टू हमें प्रिंट करवाना है टू आई इज इक्वल टू थ्री से लेकर प्रिंट करवाना है टू टू थ्री आई इज इक्ल टू फोर के लिए हमें प्रिंट करवाना है टू टू फोर आई इज इक्ल टू फाइव के लिए प्रिंट करवाना है टू टू फाइव तो हम क्या कह दें कि इस लूप में ये जो सेकेंड हाफ है इसके लूप में हम प्रिंट करवा रहे होंगे फॉर जे इज इक्वल टू 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 आय जितना भी आय है वो है हमारे सेकेंड हाफ की लास्ट लिमिट तो टू से लेकर i तक करवा होंगे और इस फर्स्ट हाफ के लिए फॉर जे इज इक्वल बैकवर्ड्स चल रहा होगा ये लूप फॉरवर्ड्स चल रहा होगा एंड कुछ इस तरीके से हम अपने स्पेसेस फिर फर्स्ट हाफ के नंबर फिर सेकेंड हाफ के नंबर्स को प्रिंट करवाएंगे अब इसके लिए कोड लिखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा सबसे पहले हमने एन को डिफाइन कर लिया जो कि इस क्वेश्चन के लिए गिवन है हमें फाइव उसके बाद लिखेंगे अपना आउटर लूप आउटर लूप में डिफाइन करेंगे टोटल नंबर ऑफ रोज रोज जो होंगी वो जा रही होंगी आई इज इक्वल टू वन से लेकर एन तक राइट right? अब उसके बाद सबसे पहले हमारा काम है स्पेसेस को प्रिंट करवाना स्पेसेस को कैसे प्रिंट करवाएंगे हर बार एन माइनस आई के इक्वल स्पेसेस को हम प्रिंट करवा देंगे फॉर इंट जे इज इक्वल टू वन तो जे इज लेस देन इक्वल टू एन माइनस आई जे प्लस प्लस यहां पर जो है प्रिंट करवा देंगे अपनी स्पेसेस को उसके बाद हमारा काम है अपने फर्स्ट हाफ के नंबर्स को प्रिंट करवाना तो फर्स्ट हाफ के नंबर्स को प्रिंट करवाने के लिए हमें क्या करना है बैकवर्ड लूप चलाना है जो j इज इक्वल टू आई से होकर जाएगा जब तक j ग्रेटर देन इक्वल टू वन नहीं हो जाता और हर बार कर देंगे j माइनस माइनस प्रिंट करवा देंगे हर बार किसको j को तो जे शुरुआत में i के इक्वल है मान लीजिए फोर्थ रो में है तो जे पहले फोर प्रिंट होगा फिर थ्री प्रिंट होगा फिर टू प्रिंट होगा फिर होगा उसके बाद अब प्रिंट हाँ को तो सेकेंड हाफ के नंबर्स में हमने देखा था कि अपने फॉर लूप को कहां से लेकर कहां तक चलाना है जे की शुरुआत करनी है टू से और जे को लेकर जाना है हमें आई तक तो जे जब तक लेस देन इक्वल टू आई नहीं हो जाता जे प्लस प्लस एंड प्रिंट कर देंगे हम अपने जे को एंड फाइनली हमने स्पेसिस को प्रिंट करवा दिया फर्स्ट हाफ नंबर्स को प्रिंट करवा दिया सेकेंड हाफ नंबर्स को प्रिंट करवा दिया अब प्रिंट करवा देंगे अपनी नेक्स्ट लाइन को एंड इसको सेव करते हैं पूरे के पूरे कोड को एंड इसको अगर हम रन करेंगे तो अपना आउटपुट हमारे पास जो आएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा विच इज अ पेलिंड्रोमिक पिरामिड पेलिंड्रोमिक पिरामिड में सबसे पहले प्रिंट हुआ वन फिर हुआ टू वन टू फिर थ्री टू वन टू थ्री फोर थ्री टू वन थ्री फोर फाइव फोर थ्री टू वन टू थ्री फोर फाइव अब यहां पर वन हमें दो दो बार प्रिंट करवाना होता तो सिंपली ये जो सेकंड हाफ वाले नंबर है इसको टू की जगह हम वन से शुरू कर देते तो उस तरीके से ये फिर भी एक पेलिंड्रोमिक पिरामिड रहता बस बीच वाली जो लाइन है जो वन -वन की लाइन है वो दो बार प्रिंट हो रही होती तो वो सेम चीज भी हम कर सकते हैं एक करके भी देख लेते हैं इसको सेव करके अगर रन करें तो अब हमारा पिरामिड कुछ ऐसा बन गया तो इस तरीके से अपने पैटर्न के साथ थोड़ा बहुत आप एक्सपेरिमेंट करिए तो उससे ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि चीज़ें एक्चुअली वर्क कैसे कर रही हैं लूप में एक छोटा सा चेंज आपकी पूरी की पूरी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को बदल सकता है तो बहुत सारे ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन हम अभी कर रहे होंगे जो अगर आप अपने थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जाके इंटर्नशिप प्लेसमेंट के इंटरव्यूज में बैठेंगे और वहां पर थ्योरी के राउंड में कोई आपसे पूछ लेगा कि आप इस पैटर्न को प्रिंट करवाने का सॉल्यूशन लिखिए तो आप देखेंगे कि हम जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी में कोई छोटा सा चेंज आपको करना पड़ेगा जिसकी वजह से कोई कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स पैटर्न प्रिंट हो रहा होगा तो इस तरीके से जितने पैटर्न के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना यहां से कोडिंग के अंदर हमारा लॉजिक बिल्ड होना शुरू होगा अब बात करते हैं अपने लास्ट पैटर्न की जो है हमारा डायमंड पैटर्न डायमंड पैटर्न में ऐसी डायमंड टाइप हमारे पास शेप जो है वो बन रही होगी अब यहाँ पर ये जो छोटा सा पार्ट है ये थोड़ा सा लेफ्ट में खिसकेगा ये कंप्लीटली इसके नीचे आ रहे होंगे सारे के सारे स्टार्स तो ये स्टार्स एक दूसरे से मैच करेंगे ये एक दूसरे से सिमिलरली ये एक दूसरे से मैच कर रहे होंगे एंड ये एक दूसरे से मैच कर रहे होंगे तो कुछ इस तरीके से परफेक्ट डायमंड हमारे लिए हमें प्रिंट करना है अब यहाँ पर गिवन है हमें एन इज इको टू फोर लॉजिक अगर देखें तो i इक्वल टू वन के लिए कितनी स्पेसेस प्रिंट हुई स्पेसेस जो प्रिंट हुई वो प्रिंट हुई हैं थ्री सिमिलरली i इक्वल टू टू के लिए स्पेसेस प्रिंट हुई हैं टू i इक्वल टू थ्री के लिए स्पेसेस प्रिंट हुई हैं वन एंड इसी तरीके से हम स्पेसेस का लॉजिक निकाल लिया कि स्पेसेस इकल टू एन माइनस आई अब इसके बाद क्या करना है हम इस क्वेश्चन को फिर से दो पार्ट में सॉल्व करेंगे पहले प्रिंट करेंगे अपर हाफ फिर प्रिंट करेंगे लोअर हाफ तो अपर हाफ का अगर हमने कोड निकाल लिया उसको बस फ्लिप करना है रो नंबर को बस फ्लिप कर देंगे उसी हिसाब से हमारे स्पेसेस फ्लिप हो जाएंगे और हमारे स्टार्स फ्लिप हो जाएंगे तो ऐसे अपर हाफ और लोअर हाफ को हम प्रिंट करवा रहे होंगे अब बात करें अगर स्टार्स की तो स्पेसेस को हमने प्रिंट करवा दिया बाई इक्वेटिंग इट टू एंड माइनस आई अगर स्टार्स की बात करें तो रो नंबर वन के लिए कितने स्टार्स हम प्रिंट कर रहे हैं प्रिंट कर रहे हैं वन स्टार रो नंबर टू के लिए प्रिंट कर रहे हैं थ्री स्टार्स रो नंबर थ्री के लिए प्रिंट कर रहे हैं फाइव स्टार्स सिमिलरली अगर i की वैल्यू चार है यानी हम फोर्थ रो में हैं, तो कितने स्टार्स को प्रिंट कर रहे होंगे प्रिंट कर रहे होंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन स्टार्स को अब ये सिर्फ अपर हाफ की हम बात कर रहे हैं अब अपर हाफ के लिए अगर लॉजिकली थोड़ा सोचें तो लॉजिकली सोच के ये पता चलेगा कि स्टार्स कितने प्रिंट हो रहे हैं अब ऑड और इवन ये सब हमने मैथ्स में सीखा ही था इलेवन ट में लॉजिक बहुत लगाया था यहां पर एक पैटर्न हमें दिख रहा है कि जो भी आई की वैल्यू है टोटल नंबर ऑफ स्टार्स टू इंटू आई माइनस वन है राइट I की वैल्यू right? अगर वन है तो स्टार्स हैं हमारे टू इंटू वन माइनस वन यानी वन I की वैल्यू अगर टू है तो स्टार्स हैं हमारे टू इंटू टू माइनस वन यानी कि थ्री I की वैल्यू अगर थ्री है तो स्टार्स हैं हमारे तो इस तरीके से हमने ये जो लॉजिक है अपने लिए ढूंढ लिया कि टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इज इक्वल टू टू इंटू आई माइनस वन जो है डबल कर देंगे और उसमें से एक माइनस कर देंगे तो हर बार एक Odd number निकल कर आ रहा होगा तो ऑड स्टार्स हम प्रिंट कर रहे हैं के के लिए already logic है है तो तो का हमें logic मिल गया lower half में simply क्या करना है? I is equal to one से लेकर तक जा रहे हैं तो lower half के लिए आई हो जाएगा एन से लेकर वन तक अब इस पूरे के पूरे कोड को लिखते हैं अपने डायमंड पैटर्न के लिए तो यहां पर हमारे पास जो एन गिवन है दैट इज इक्वल टू फोर एन फोर के इक्वल गिवन है

टू इंटू आई माइनस वन के इक्वल तो फॉर इंट जे इज इक्वल टू वन जे इज लेस इक्ट इन टू आई माइनस प्रिंट करवा देंगे अपने स्टार्स को इस तरीके से स्टार्स को प्रिंट करवाया एंड यहां पर हम प्रिंट करवा देंगे अपनी नेक्स्ट लाइन तो ये हमने कोड लिख लिया अपने अपर हाफ का तो इस तरीके से अपर हाफ जो पूरा को पूरा है हमारा स्टार्ट से फिल्ड वो प्रिंट हो जाएगा अब बात करें अगर लोअर हाफ के कोड की तो उसको लिखने के लिए सिंपली हमें ऊपर वाला जो कोड है उसको रिवर्स करना है तो उसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं इसको रिवर्स करने के लिए इसको कर देते हैं आईज इक्वल टू एन आई जाएगा जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू वन नहीं हो जाता और आई को कर देंगे हम माइनस माइनस अब इसको सेव करके अगर रन करें तो देखते हैं क्या पैटर्न प्रिंट होगा हमारे लिए तो हमारा जो फाइनल डायमंड शेप्ड पैटर्न था वो पूरा का पूरा ऐसे प्रिंट होकर आएगा जिसमें अपर हाफ के कोड को अगर रेप्लीकेट करना है नीचे वन डिग्री से फ्लिप कर देना है तो सिंपली क्या करना है बाहर वाली जो रो है जो रो नंबर दिखाती है उसको हम उल्टा कर देंगे क्योंकि अंदर वाला जितना भी लॉजिक है वो सारा का सारा आय के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो आय अगर उल्टा हो जाएगा तो अंदर का लॉजिक भी अपने आप उल्टा हो जाएगा तो ये चीज समझने वाली थी इस पूरे लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर हमें पैटर्न को रिपीट करना है रेप्लीकेट कराना है फ्लिप करवाने के लिए तो जिस पर भी जिस वेरिएबल पर भी वो डिपेंड कर रहा है उस वैल्यू को हम ऑपोजिट कर देंगे उस वैल्यू को फ्लिप कर देंगे तो इस तरीके से हमने अभी टोटल 14 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं पैटर्न्स के जिसमें से बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के पैटर्न्स को हमने डिस्कस किया है दो तीन एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स हैं जो हमने आपको सॉल्यूशन की फॉर्म में दे दी है पिछले लेक्चर के जितने सॉल्यूशन थे वो इस क्लास में डिस्कस हो गए हैं तो आप डेफिनेटली उन नोट्स को जाकर चेकआउट करिए अगर खुद से कोड नहीं चल रहा है तो पीडीएफ के अंदर सारे के सारे कोड्स रिटन हैं उनको बस कंट्रोल सी करना है और कंट्रोल वी करना है अपने कोड एडिटर के अंदर और फिर उस पैटर्न के साथ एक्सपेरिमेंट्स करके हमें देखना है जितने एक्सपेरिमेंट करेंगे उतने हमें पता चलेगा कि लॉजिक जो है लूप्स का वो किस तरीके से काम कर रहा है आई होप आज की क्लास हमें अच्छी लगी होगी एंड चीजें सीखने को मिली होंगी और ज्यादा पैटर्न के बारे में आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग